सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। देखिए, ये जो कैंडल मार्च है, पिंकल जो टप्पल में हत्याकांड हुआ है, बहुत दुर्दांत तरीके से उस बच्ची की हत्या की गई है जिसका कोई अपराध नहीं। 2.5 साल की बच्ची है, उसका क्या अपराध है, उसको क्या मालूम कि कौन मेरा पड़ोसी है, कौन मेरा साथ देने वाला है, कौन नहीं देने वाला है, कौन न कम किस घड़ी में मेरी हत्या कर दे। तो इस प्रकार की जो घटनाएँ हैं, जो देश में आम हो गई हैं, इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए। उसके लिए भारत सरकार को जो कानून है, जो कानून है उसमें थोड़ा सा बदलाव करके, जो बच्चियों के साथ, खासकर फिलहाल के समय में बच्चियों के साथ बहुत ही ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं और उन्हीं को ज़्यादातर निशाना बनाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो भारत सरकार है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सरकार से किस तरीके की कानून की जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, तो ये कहाँ हमारी बेटी बच रही है और कहाँ फिर वो, जब बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से। तो वो जो चीज़ है उसका भी पूर्ण रूपेण एक तरीके से रूपांतरित करना चाहिए और उसके लिए कड़े से कड़े कानून हो और अपराधियों को किसी तरीके की कोई ढील नहीं हो, किसी प्रकार का कोई भी किसी कहीं से भी ब्लॉक। देखिए, सीधी सी बात है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हो तो फास्ट ट्रैक कोर्ट, यानी कि इतना नहीं होना चाहिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में कभी 2-2 साल तक इंक्वायरी लगी रहती है, कोर्ट में केस चलता रहता है तब जाकर डिसीजन आता है। फास्ट ट्रैक यानी कि आपका विद इन 1 मंथ आप पूरी इंक्वायरी सेटअप करके पूरा एक फेयर डिसीजन दें, फेयर डिसीजन के बेसिस पर जो भी इसके कल्प्रिट है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, उसको तुरंत के तुरंत सजा दी जाए। देखिए, देश के कानून, देश के संविधान से सबका मानना है, लेकिन देखिए कानून में जब समय रहते हुए उसमें बदलाव होता है तो उसके लिए हमारी संसद है, राज्य सरकार है, कानून बनाती है, तो सख्त सख्त कानून बनाए उसके लिए, जो कि बहुत समाज को बेहतर रूप से संचालित करने के लिए, देश को संचालित करने के लिए जरूरी है और ऐसे कानून का बनना बहुत आवश्यक है। देखिए, जातिवाद से किसी चीज़ को नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बच्ची है, बच्ची को नहीं पता है कि उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, तो आप उस चीज़ से जोड़ते हैं तो ये बहुत बड़ी समाज में बहुत ज़्यादा ही मूर्खता है और ऐसी मूर्खता को समाज में कहीं जगह नहीं मिलती है ऐसी चीज़ें। जैसे कि आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार फेल हो रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में इस समय जो कानून व्यवस्था है, पिछले 4-5 दिनों में देखा गया अपराध की जो रेप है और अपराध जिस तरीके दुर्दांत तरीके से अपराध हो रहे हैं वो आम हो गए हैं, तो सरकार को चाहिए कि जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन को स्ट्रिक्ट करें और जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको तुरंत कार्रवाई करें, उनको सीधे सीधे निदान है कि उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू जो सजा है, उनको सीधे जो गलत है उसको सजा मिले। आपकी मांगे क्या है? देखिए, जो भी जिसके साथ भी गलत हो रहा है, चाहे वो बलात्कार हो, और ऐसी जो दुर्दांत हत्याएँ हैं जो बहुत ही निंदनीय हैं, और ऐसी हत्याओं के सीधी सीधी फांसी की सजा होनी चाहिए और कुछ नहीं। आप एएमयू से ताल्लुक रखते हैं तो जो ट्विंकल हत्याकांड हुआ, इनके परिवार वालों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पहले से ही पूरे परिवार के साथ है, पूरी मजबूती के साथ है, जैसी भी जरूरत होगी जिस तरीके से हम लोग खड़े हो सकते हैं हम उस परिवार के साथ खड़े हैं, पूरी सहानुभूति है, पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन की भी सहानुभूति है उस परिवार के साथ में। सर, आपका सोनवीर सिंह से ट्विंकल का ब्रूटली मर्डर किया गया है और इस तरह के हादसे पिछले कई सालों में बहुत आम हो गए हैं, चाहे वो आसिफा का मामला हो, चाहे उन्नाव का मामला हो, चाहे चंडीगढ़ का मामला हो, और बहुत सारे केसेस तो ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं होते डर की वजह से। तो इसलिए हमारी ये दरख्वास्त है भारत सरकार से कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में इसकी सुनवाई हो, और सुनवाई हो, ये नहीं कि उसमें टल जाए मामला, सुनवाई हो, और साथ ही साथ ये भी दरख्वास्त है कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको 20-24 फांसी मिलनी चाहिए, ताकि सोसाइटी के लिए एग्जाम्पल सेट हो कि इस चीज़ की सज़ा, इस हरकत की सज़ा ये है, जो आप मासूम बच्चियों का मर्डर कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, उनकी सज़ा ये है। और साथ ही साथ कुछ लोग सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि इसको मज़हब का रंग दे रहे हैं, तो कोई भी मज़हब, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुज़म हो, बौद्धिज़म हो, सिखिज़म हो, कोई भी मज़हब इस चीज़ की परमिशन नहीं देता और ऐसे लोगों का एक्सेप्टेंस किसी भी मज़हब में नहीं है। तो इसको किसी भी मज़हब से ना जोड़ा जाए, ये इंसानियत के नाम पे तमाचा है जो इस तरह के केसेस हो रहे हैं, और मौजूदा सरकार से दरख्वास्त है जल्द से जल्द ऐसे हैवानों को फांसी पे, फंदे पे लटकाया जाए। मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं एक स्टेट के सरबराह हैं, उनको ज़रूरी है कि ऐसे हादसों में आए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, वो हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको आना चाहिए,
और ये आश्वासन देना चाहिए वहाँ के उनके परिवार को और पूरी आवाम को, जो भी फैसला होगा फेयर होगा, जितने भी उसके सबूत हैं उसके बेसिस पे होगा, कोई बेगुनाह नहीं फंसा जाएगा। हर केस में पूरी तफ्तीश होनी चाहिए, पुलिस का रोल बहुत अहम है, कार्रवाई प्रॉपर होनी चाहिए, थोड़ा वक्त लगे लेकिन प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए फैसला फौरन होना चाहिए और सज़ा सिर्फ फांसी होनी चाहिए। ट्विंकल के परिवार वालों से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस परेशानी की घड़ी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शाना बशाना उनके साथ खड़ी है और जिस तरह की भी जो भी हम हैसियत रखते हैं उनके साथ हर तरह से हम खड़े हैं। शासन प्रशासन को लेकर आपको कोई मांग? शासन से मेरी यही मांग है कि फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए और जल्द से जल्द इस चीज़ का फैसला आए। फैसला ऐसे नहीं आना चाहिए जिस तरह से हमारा भाई सैफ का मर्डर हुआ था, अभी तक उसमें कोई सुनवाई नहीं। इस तरह के फैसले नहीं होने चाहिए। इमीडिएट इंक्वायरी जो सेटअप की गई है उसका रिजल्ट आना चाहिए और रिजल्ट के साथ साथ जो भी रिजल्ट है उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इसमें कमी किसकी पाई गई? अभी तक अगर आप देखें तो प्रॉपर कोई भी ये कार्रवाई जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। क्या हुआ, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी, किस तरह से हुआ, आज इस बात को कितने दिन हो गए लेकिन रिजल्ट नहीं आ पा रहा। तो पुलिस अपना काम जो कर रही है उसको और इमीडिएटली फास्ट प्रोसेस में बरकरार करें ताकि फैसला पब्लिक के सामने, आवाम के सामने जल्द से जल्द। ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।